स्टैंडिंग वेव्स इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड. ओपन एट बोथ द एंड में एक पाइप लेनी है, वेव गई लेफ्ट से राइट, टकरा के वापस आई, तो क्योंकि एंड फ्री टू मूव है, फिक्स तो है नहीं, ओपन एंड है पाइप के, दोनों एंड ओपन है, तो वो मैक्सिमम ऊपर नीचे बाहर अंदर बाहर जा सकता है एयर का मॉलिक्यूल. तो वाई इसमें फ्री एंड है, फिक्स नहीं है, तो वाई क्रेस्ट जाएगा, क्रेस्ट ही आएगा. मतलब कहने का मतलब जैसी वेव गई वैसी की वैसी आएगी, तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो चुकी है तो ये तो प्लस होगा. क्वेश्चन ये अराइज होता है कि टकरा के किससे वापस आ रहा है, तो ओपन है, वेव गई हवा में, आगे भी हवा ही तो थी, बाहर क्यों नहीं निकल गई, वापस क्यों आ गई, फिक्स्ड एंड में तो दिख रहा था, टकरा के वापस आई, फिक्स्ड एंड है, दीवार थी वहां पे, ये कैसे आ गई. एयर की डेंसिटीज में पाइप के अंदर और बाहर फर्क होता है. एयर के मॉलिक्यूल्स बाहर बहुत ज्यादा हैं, अंदर मॉलिक्यूल्स और बाहर मॉलिक्यूल में फर्क है, जिस वजह से जैसी वो एनर्जी जाती है या वेव जाती है, वहां आखिरी का पार्टिकल जब आगे जाता है तो बाय रिएक्शन, इलास्टिसिटी भी तो है, बाय रिएक्शन उधर के जो बाहर के मॉलिक्यूल हैं एयर के ऊपर जाते हैं और नीचे गिरते हैं, जैसे ऊपर नीचे गिरते हैं वापस वेव आ जाती है, फ्री एंड है ना, तो एक्शन रिएक्शन हो जाता है वापस की तरफ. इन्हें सुपर इम्पोज करना है मेडिकल वालों के लिए इस बार साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, माइनस नहीं है, सीधा लिखना है. ये आपके रिजल्ट आएगा और ये इसका एम्पलीट्यूड है. तो रिजल्टेंट वेव टाइम वाली टर्म को पीछे रखना, याद रखना टी वाली टर्म को पीछे, एक्स वाले टर्म को आगे, तो ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड आ गया. बाउंड्री कंडीशन देख लो, बाउंड्री कंडीशन है हर हालत में टू रहेंगी. फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है x इज इक्वल टू जीरो पे फ्री एंड है, तो यहां पर एंटी नोड ही जनरेट होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम. l पे भी y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम. जब हम एम्पलीट्यूड में x को जीरो पुट करते हैं, cos जीरो क्या होता है, वन, तो एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, मैक्सिमम. जब हम x की जगह l पुट करेंगे तो भी आंसर क्या आना चाहिए, मैक्सिमम. cos थीटा मैक्सिमम, इसमें क्या होगा, प्लस माइनस वन. प्लस माइनस का मतलब एम्पलीट्यूड ए टू ए या माइनस ए कुछ भी आए. मेडिकल के लोग ये एंगल मैक्सिमम प्लस माइनस वन तब होता है कॉस थीटा, जब थीटा एन पाई होता है, एन पाई थीटा एन पाई, याद करना है आपको. नॉन मेडिकल वालों को पता है पाई से पाई कैंसल, एल की वैल्यू आ गई. फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, पहली बार डायग्राम, वैसे उसने डायग्राम दिखाया कैसे बनेगा, वो ग्राफ पूरा प्रॉपर दिखाया उसे, बिना मैथ के दिखाया, बिल्कुल सही दिखाया. मैथमेटिकली एन की जगह वन, एल क्या आएगा, लैमडा बाई टू. लैमडा बाई टू का वैसे मतलब पता है क्या होता है, एक लूप. लेकिन अगर मैं पाइप में एक लूप बनाऊं तो ये एंड पर क्या आ रहा है, नोड, जबकि क्या आना चाहिए, एंटी नोड. यहां पर फिक्स्ड एंड तो है नहीं, तो इसलिए हमें क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ के उल्टा जोड़ लेते हैं आधी आधी लूप. ये देखो आधा आधा जोड़ रखा है, लैमडा बाई फोर और लैमडा बाई फोर, क्योंकि कॉर्नर पर क्या चाहिए, एंटी नोड. तो एंटी नोड, तो ये पहला डायग्राम है L इक्वल टू लैम्डा बाय 2 का, क्योंकि ये लंबाई लैम्डा बाय 4 है, ये भी लैम्डा बाय 4 है, तो टोटल लैम्डा बाय 2 है. लैम्डा 1 क्या आ गया, 2L. फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, V बाय लैम्डा 1. लैम्डा 1 की जगह 2L, ये पहली फ्रीक्वेंसी जिसका नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट N इक्वल टू 2 का केस है, जब 2 पुट करेंगे ऊपर फॉर्मूले में, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, L इक्वल टू लैम्डा. लैम्डा का मतलब दो लूप्स हैं, दो लूप्स ऐसे बनानी है, एक लूप बीच में बनाओ लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, क्योंकि कॉर्नर पे तो एंटी नोड चाहिए चाहिए, नोड नहीं आ सकता, तो एक लूप एक्स्ट्रा कर दो बीच में, तो एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड. यहां से लैम्डा 2 एल, न्यू 2 वी बाय लैम्डा 2, न्यू 2 आ गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू 1 आ गई, दोनों को डिवाइड करके न्यू 2 क्या आएगा, 2 इंटू न्यू 1. तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो आती है इसमें वह फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस आता है. थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में 3 पुट कर दें, डायग्राम में एक दो लूप्स और एक्स्ट्रा कर दें, जैसे पहली मोड में ये डायग्राम है, दूसरे में एक लूप एक्स्ट्रा है, नेक्स्ट में दो लूप्स एक्स्ट्रा है, कॉर्नर पे वही रहेगा, ताकि ये दो लूप्स का मतलब लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, कुल मिला के कितना, 3/2 लैम्डा आएगा. लैम्डा 3 की वैल्यू आ गई, न्यू 3 वी बाय लैम्डा 3, लैम्डा 3 को पुट कर दिया, न्यू 3 न्यू 1 को डिवाइड किया, तो न्यू 3 इज 3 इंटू न्यू 1 आ गया. तो पहली फ्रिक्वेंसी न्यू 1 है, दूसरी 2 इंटू न्यू 1 है, तीसरी 3 इंटू न्यू 1 है, नेक्स्ट 4 इंटू न्यू 1 है, और nth n इंटू न्यू 1 है. ये रिजल्ट आपने याद रखना है, विद डायग्राम क्या होगा, इसके ऊपर एनसीईआरटी मेंस और नीट में पक्का क्वेश्चन आने ही आने हैं, नोट्स एंटी नोट्स पे काउंट करने को भी आ जाते हैं, और कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी दिखाता भी हूं.